नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर। जी हाँ, आज हम जानेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा दिए गए विजुअलाइजेशन के राज, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हमारा दिमाग एक पावरफुल टूल है। ये ना सिर्फ सोचता है, बल्कि जो हम सोचते हैं उसी को अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर आप कुछ बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, तो सिर्फ चाहने से क्या होगा, आपको उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा, उसका सपना देखना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जोसेफ मर्फी, जो कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड नाम की किताब के लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो कुछ भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर देते हैं, वही हमारी असली जिंदगी में प्रकट होता है। तो यहाँ ये बात क्लियर है कि अगर हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो पहला कदम है उन्हें अपने दिमाग में बार बार विजुअलाइज करना। जब हम रोज सपनों को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें हकीकत मान लेता है। अब माइकल एंजेलो का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मार्बल यानी एक तरह के पत्थर में एक फरिश्ते को देखा और तब तक उसे तराशा जब तक कि फरिश्ता बाहर नहीं आ गया। मतलब माइकल एंजेलो ने अपनी काल्पनिक शक्ति से, अपने दिमाग की आंखों से उस फरिश्ते को देखा था जो अभी तक उस पत्थर के टुकड़े में छुपा हुआ था। उनकी ये सोच और कल्पना ही उन्हें उस अद्भुत मूर्ति को बनाने की प्रेरणा दे गई। इसी तरह जब हम अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं, तो हम अपने आप को उन इच्छाओं को पूरा करते हुए इमेजिन करते हैं। ये हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि ये सच है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचिए, उसका सपना देखिए और सबसे जरूरी, उस पर विश्वास रखिए। ये विश्वास और कल्पना ही आपको आपके सपनों तक जरूर ले जाएगी। चलिए एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि कल्पना कैसे हमें अपनी इच्छाओं को पाने की स्थिति में जीने में मदद करती है। मान लो एक महिला शहर में रहती है, वो अपने आप को कल्पना करते हुए देखती है कि वो शहर से बाहर एक छोटे गांव में जा रही है, जहां वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है और एक उपन्यास लिख सकती है। वो अपने आप को एक लकड़ी की डेस्क पर बैठकर एक गर्म कॉफी का कप लेकर और अपनी किताब के अंतिम पन्ने लिखते हुए कल्पना करती है। वो महसूस करती है कि उसे अपनी खिड़की से बाहर लाल रंग का एक बड़ा सा सूरज उदित होते दिखाई दे रहा है और उसे कबूतर की मीठी पुकार सुनाई दे रही है। वो अपने घर की खिड़की से शांत झील को देखती है, जिसका पानी ठंडा है। वो सोचती है कि शाम को वो उस झील के किनारे बैठेगी। ये सब कल्पना करते समय वो पूरी तरह से संतुष्ट और शांत महसूस करती है। ना सिर्फ वो कल्पना कर रही है उसमें, बल्कि वास्तविकता में भी। अब जब वो इस कल्पना को बार बार दोहराती है, उसका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानने लगता है। वो वही भावनाएं और इमोशंस महसूस करती है जैसे वास्तविकता में करेंगे। एक ही दृश्य का बार बार दोहराव अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छोड़ता है और अंततः वो संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं जो उसके द्वारा कल्पना किए जाते हैं। परिस्थितियां स्वयं ही आपके द्वारा कल्पना किए गए लक्ष्य परिस्थिति को ऑटोमेटिकली साकार करती है। सोचिए अगर वो महिला जो अपने सपने में गांव जाने का एक सुंदर डेस्क पर बैठकर गर्म कॉफी की चुस्की लेते हुए एक नया उपन्यास लिखने की कल्पना करे, तो उसका मन उस कल्पना को सच मान लेगा। और फिर क्या, एक दिन अचानक से एक पुराना दोस्त फोन करके बताता है कि वो उसी गांव में रह रहा है और उसे वहां बुलाता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारा अवचेतन मन, जो हमारे सपने, विचार और कल्पनाओं को संभालता है, असली और कल्पना के बीच का फर्क नहीं जानता। वो तो बस रिएक्ट करता है। जब आप किसी चीज को दिल से, पूरी शिद्दत से कल्पना करते हैं, तो आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो सपना सच हो। और फिर आपके आसपास की दुनिया आपकी कल्पनाओं के अनुसार धीरे धीरे शेप लेना शुरू कर देती हैं।
मतलब जब आप कुछ सोचकर उस पर विश्वास करके उसे बार बार अपने मन में रखते हैं, तो वो कल्पना किसी न किसी रूप में आपके जीवन में उतरने लगती है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू है, जो आपके सोचने के तरीके और आपके अवचेतन मन के बीच का सेतु बनाता है और आपको आपके सपनों को साकार करने की ताकत देता है। जोसेफ मर्फी की सोच के हिसाब से हमारा दिमाग दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे विचार, भावनाएं और निर्णयों को कंट्रोल करता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो एक तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के नीचे काम करता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर डीप लेवल पर काम करता है, रियल और इमेजिन्ड सिनेरियोज में फर्क नहीं कर सकता। तो जब हम कॉन्शियसली कुछ सोचते हैं या किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे एकदम सच मान लेता है। इसको ऐसे सोचिए कि अगर आप अपने आप को किसी खुशहाल, पीसफुल जगह पर होने की कल्पना करते हैं, जहां आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड और खुश हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि ये सच है। वो रियल और कल्पना किए गए अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। इससे जो भावनाएं और इमोशंस उत्पन्न होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उस सिचुएशन में होती अगर वो रियल होते। इसका मतलब ये है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करके अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शेप दे सकते हैं। जब हम किसी पॉजिटिव सिनेरियो की कल्पना करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करता है, और यही प्रोसेस हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित कर सकता है। क्योंकि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं, तो आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी सोच भी पॉजिटिव होंगी, जो आखिर में आपको आसपास की दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस लाने में मदद करेंगी। मर्फी का कहना है कि अगर हम कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और इमेजेस से फीड करते रहें, तो हम अपनी रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, जो हमारे थॉट्स और कल्पनाओं को रियल लाइफ सिनेरियोज में कन्वर्ट कर देता है। सोचिए, हमारा मन एक तरह का फिल्टर का काम करता है, जो खास तौर पर उन्हीं चीजों को नोटिस करता है जो हमारे लिए किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण या रेलिवेंट होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज पर यकीन रखते हैं या किसी विशेष सोच में डूबे हुए हैं, तो आपका दिमाग नेचुरली उसी तरह की परिस्थितियों और अवसर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है या उन्हें ज्यादा नोटिस करता है। मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदने का सोचा है और आप उस कार के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसके मॉडल्स, रंग, फीचर के बारे में रिसर्च करते हैं। फिर क्या होता है, आपको अचानक से लगने लगता है कि वही कार आपको हर जगह नजर आने लगती है, रोड पर, पार्किंग लॉट में, इंटरनेट एड्स में। असल में वो कार्स पहले भी उतनी ही थी, पर आपका दिमाग उन्हें ज्यादा नोटिस कर रहा है क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई हैं। यही कॉन्सेप्ट जब हमारे विश्वास और सोच पर लागू होता है, तो हमारा दिमाग उसी तरह की सिचुएशंस, लोगों और अवसरों को अट्रैक्ट करता है जो हमारे सोच और विश्वास से मैच करते हैं। अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं, तो आप पॉजिटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप नेगेटिवली सोचते हैं, तो नेगेटिव आउटकम्स को। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम अपनी रियलिटी को शेप देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सच में बिलीव करते हैं कि आप एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहेंगे, उसी तरह के डिसीजंस लेंगे जो आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे। आपकी ये सोच आपको उन परिस्थितियों की ओर ले जाएगी जहां आपको सक्सेस मिल सकती है। ये बस इतना सा है कि हमारे विश्वास और सोच हमें उन परिस्थितियों की तरफ नेचुरली गाइड करते हैं जो हमारी सोच के अनुकूल होते हैं, और इसी तरह हम अपनी रियलिटी को शेप देते हैं। आइए इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। हम नेचुरली ग्रेविटेट करते हैं और उन लोगों की तरफ जो हमसे मिलते जुलते हैं, जिनकी सोच, रहने का तरीका या हॉबीज हमसे मैच करती हैं। ये एक तरह से कंफर्ट जोन बनाता है जहां हम आसानी से फिट हो जाते हैं।
इसी तरीके से जो हम सोचते हैं या जिन विश्वासों पर हम भरोसा करते हैं, वही हमारी जिंदगी में हकीकत बन जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारे एक्शंस कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। डॉक्टर डेविड हैमिल्टन का रिसर्च ये बताता है कि हमारी सोच और भावनाएं न सिर्फ हमारे आसपास के माहौल पर बल्कि हमारे अपने शरीर और दिमाग पर भी गहरा असर डालती हैं। उनका कहना है कि पॉजिटिव सोच और कल्पना से हमारे शरीर और दिमाग में वही बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज को सच में फील करते हैं या उसकी कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उस एक्सपीरियंस को रियल मान लेता है और आपके शरीर में रियल रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल टूल है, चाहे वो हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए हो, स्ट्रेस कम करने के लिए या फिर लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए हो। जब हम विविडली कुछ कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उस सिनेरियो को एज अ रियल मान लेता है। ये प्रोसेस हमारे इमोशंस और बॉडी केमिस्ट्री को उसी तरह से इन्फ्लुएंस करता है जैसे कि अगर वो इवेंट वास्तव में घटता तब होता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अपनी सोच और कल्पना के जरिए अपनी रियलिटी को शेप दे सकते हैं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से हम पॉजिटिव आउटकम्स को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सिनेरियो को एज रियल मान लेता है और हमारे फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स को उसी हिसाब से अलाइन करता है। ये टेक्निक दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं, नॉट जस्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, लेकिन फिजिकल हेल्थ, करियर गोल्स और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारे विचार और कल्पनाएं हमारी रियलिटी को शेप देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ डीपली चाहते हैं और उसको बार बार अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं, तो यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन या चीज को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये प्रोसेस कुछ टेक्निक से और भी पावरफुल बनाई जा सकती है, जैसे कि पहली टेक्निक विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके आप जो चाहते हैं उसको अपने मन में जिंदा कर सकते हैं। इसमें आप उस स्थिति को इमेजिन करते हैं जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। डॉक्टर वेन डायर एक फेमस सेल्फ हेल्प गुरु हैं। उन्होंने सजेस्ट किया है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को उन सिचुएशंस में इमेजिन करना चाहिए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे राइट ब्रदर्स ने कभी सोचा नहीं कि उनका एयरप्लेन जमीन से नहीं उठ पाएगा, और थॉमस एडिसन ने कभी अंधेरे को फाइनल नहीं माना। इन एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि अगर आप अपने गोल्स या ड्रीम्स को क्लियरली देख सकते हैं और उस पर बिलीव कर सकते हैं, तो आप उन्हें अचीव भी कर सकते हैं। आपकी कल्पना और विश्वास ही आपको अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की ताकत देते हैं। इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रॉपर यूज करके आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब दूसरा तरीका है शब्द या अफर्मेशंस पर ध्यान लगाना। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ आप एक अफर्मेशन वाक्य या सिर्फ एक शब्द लिखते हैं या दोहराते हैं जो आपकी इच्छा को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक प्रसिद्ध लेखक बनना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाला लेखक हूँ। इसे एक नोट कार्ड पर लिखकर सुबह 2 से 5 मिनट तक इस पर फोकस करें। जल्द ही वो वाक्य या शब्द जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाएगा। ये तरीका इसीलिए प्रभावशाली है क्योंकि सुबह आपका मन तेज और पूर्ण क्षमता के साथ काम करता है और बेहतर कल्पना कर पाने में आपकी मदद करता है। आप अपने जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं, इसके बीज बोने का सबसे सही समय सुबह का समय है। कुछ विशेषज्ञ इस तरीके को 21 दिनों तक अभ्यास करने की सलाह देते हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी के अनुसार यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप क्या चाहते हैं और आपकी इच्छाओं के प्रति आपके विश्वास क्या हैं।
यह भावनाओं और संवेदनाओं पर भी निर्भर करता है। अगर आप अपनी इच्छा को गहरे और सकारात्मक भावनाओं के साथ महसूस करते हैं तो आप इसे अधिक स्पष्ट रूप से कल्पना कर पाएंगे और ये आपकी वास्तविकता बन जाएगा। तीसरा विजुअलाइजेशन तरीका है मेंटल मूवी टेक्निक। ये जोसेफ मर्फी का प्रसिद्ध तरीका है और कई बार उन्होंने इसे अपनी किताब के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। एक प्रसिद्ध चाइनीज कहावत है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। विलियम जेम्स, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, ने इस तथ्य पर बल दिया कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को जो मन में रखी गई है और विश्वास के साथ समाहित है को सच कर देता है। मानो मैं वो हूँ और मैं वो बनाऊंगा। इस तरीके में आप बस वो दृश्य बनाते हैं जो आप चाहते हैं। दरअसल ये वो दृश्य होता है जो यह सजेस्ट करता है कि आप अपनी इच्छा को किस रूप में देखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो क्या होगा या आप इसे कैसे प्रकट करेंगे? आप इस दृश्य को बार बार तेज भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं, जैसे ये वास्तविकता में हो रहा हो। अगर आप ऐसे किसी दृश्य को सफलतापूर्वक बनाते हैं और कुछ समय तक रोजाना भावनाओं और संवेदनाओं के साथ कल्पना करते हैं तो जीवन आपको ऐसी परिस्थितियों की ओर ले जाएगा जहां ये आपके साथ वास्तविकता में घटित होगा। जोसेफ मर्फी सुझाव देते हैं कि इस तरीके का अभ्यास सुबह उठने के समय और रात को सोने से पहले करें। जितना अधिक आप इस तरीके का अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक ये दृश्य आपको अपनी वास्तविकता बताएगा। जब आप इसे महसूस करना शुरू करते हैं तब आप इसे जीवित करना शुरू करते हैं। आप स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति या स्थिति में प्रवेश करते हैं जहां आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हमें यह समझ में आया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन का एक शक्तिशाली निर्देशक है। हमारे विचार, भावनाएं और कल्पनाएं ये सभी अवचेतन मन को आकार देते हैं, जो बदले में हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। जब हम अपने मनचाहे परिणाम या स्थिति का स्पष्ट चित्र अपने मन में बनाते हैं और उस पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करता है, चाहे वो आपका करियर, स्वास्थ्य या किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लक्ष्य हो। विजुअलाइजेशन आपको उस तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार यदि हम अपने सोचने के तरीके को बदल दें तो हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। ये जरूरी है कि हम पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का उपयोग करें ताकि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जा सकें। अंत में दोस्तों, याद रखें कि पेशेंस और परसेवरेंस की है। परिवर्तन तुरंत नहीं होता, इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं तो आपके द्वारा की गई हर कल्पना और संकल्पना एक दिन रूपांतरण पालेगी। विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप अपने जीवन को नए आयाम तक ले जा सकते हैं। बस याद रखिए, अपने विचार सकारात्मक रखें, अपने सपनों को स्पष्ट रूप से कल्पना करें और फिर देखें कि कैसे आपका अवचेतन मन आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो चलिए, आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की सिखाए हुए प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतार कर हम अपने आप को और अपने आसपास के संसार को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्वयं पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हम सब एक साथ हैं। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।